दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एनिमेशन और मल्टीमीडिया में क्या क्या करियर आपके लिए हो सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें आप सीखेंगे अगर आप इसको अपना करियर ऑप्ट करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है, डिग्रीज है या फिर सर्टिफिकेट्स है जो कि आप अपने 12th पास आउट होने के बाद कर सकते हैं, या कोई स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट रहती है नहीं रहती, क्या सिर्फ साइंस स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके अलावा स्कोप क्या रह सकता है फ्यूचर में, आपकी सैलरी कितनी लगती है, आज की इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं एनिमेशन के करियर के बारे में, आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मूवीज तो देखी होगी। आज की डेट में एनिमेशन और वीएफएक्स या फिर मल्टीमीडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी मूवीज का, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। आज से 10 साल पहले की बात करें तो हॉलीवुड में वीएफएक्स ज्यादा यूज होता था अगर कंपेयर करें बॉलीवुड से, पर आज के जमाने में दोस्तों इंडिया में भी वीएफएक्स या फिर मल्टीमीडिया एनिमेशन बहुत यूज होता है हमारी मूवीज में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाहुबली, इसके अलावा अब जो आने वाली मूवी है रोबोट 2.0, ऐसी ही जो साइंस फिक्शन मूवीज है या फिर जो नॉर्मल मूवीज में भी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं उसको वीएफएक्स के मदद से किया जाता है। दोस्तों वीएफएक्स और एनिमेशन ज्यादातर यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप इनको यूज करके वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो आपने दिमाग में सोचा है और जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों ने आयरन मैन देखी है तो आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो सच दिख रहा है, पर ऐसा सच में नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ये साइंस फिक्शन है। तो आप डायरेक्टर ने वो सारी चीजें क्रिएट कर दी जो आप सिर्फ दिमाग में सोच सकते हैं, वो चीजें उसने असली पर्दे पे क्रिएट कर दी और आपको ऐसा लग रहा है कि वो असली है। और यही जो है ब्यूटी है वीएफएक्स और एनिमेशन की, कि आप वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप लोगों ने दिमाग में सोचा है और जो कि आप स्क्रीन पे या पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है ज्यादातर केसेस में हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, वीएफएक्स और एनिमेशन बहुत यूज होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप इस कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है। देखिए सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th पास आउट होना है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट किया हो तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस का ही होना है या कॉमर्स का या फिर सिर्फ आर्ट्स का होना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स है जो कि आप कर सकते हैं 12th पास आउट होने के बाद। देखिए सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन कम रहती है, डिप्लोमा की ड्यूरेशन उससे ज्यादा रहती है और डिग्री जो होती है 3 साल की होती है। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो आपके पास बीए इन एनिमेशन मिल जाता है आपको, या फिर आप बीएससी एनिमेशन कर सकते हैं। बीएससी एनिमेशन जो सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं, लेकिन जो बीए एनिमेशन है वो कॉमर्स वाला भी कर सकता है और आर्ट्स वाला भी कर सकता है। ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि बेसिकली आप जो है उसमें एनिमेशन ही सीखते हैं। तो ऐसा ना समझे कि बीएससी एनिमेशन वालों को ज्यादा सिखाया जाता है और बीए एनिमेशन वालों को कम सिखाया जाता है, ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। बट ये जो है एक डिग्री की सेग्रीगेशन कर दी गई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा डिप्लोमा भी बहुत सारे एनिमेशन के होते हैं, बहुत सारे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट होंगे जो कि एनिमेशन से रिलेटेड डिप्लोमा करवाते हैं, तो आप वहाँ जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे होते हैं एनिमेशन के कोर्सेज के, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं अगर आप एनिमेशन का कोर्स करते हैं, जैसे आप 2D एनिमेटर बन सकते हैं, 3D एनिमेटर बन सकते हैं, इमेज एडिटर बन सकते हैं, मॉडलर बन सकते हैं, लेआउट आर्टिस्ट बन सकते हैं, लाइटिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल इंक एंड पेंट आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स मिल सकते हैं अगर आप इन कोर्सेज को पूरा कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, हिसाब से आपको जो है रोल मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि कौन कौन से कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स है जो कि आप कर सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्कोप क्या है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट आई एम श्योर यही उनके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हमें जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आगे क्या क्या फ्यूचर परस्पेक्टिव रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी अगर आप एनिमेशन का कोर्स करते हैं, अगर आपको स्किल्स आती है तो आप एडवर्टाइजिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें वीएफएक्स का यूज होता ही होता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट के साथ मिलकर आपने काम किया, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल है, आजकल बहुत सारे ऐसे एनिमेशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी है जहां पे आप काम कर सकते हैं।
सकते हैं, इसके अलावा फिल्म और टेलीविजन में काम कर सकते हैं, कार्टून प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं, थिएटर में काम कर सकते हैं, वीडियो गेमिंग में काम कर सकते हैं, ई लर्निंग जो साइट्स होती है, ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर भी आपकी एनिमेटर्स की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, बहुत स्कोप है। अगर आप अच्छे से एनिमेशन कर लेते हैं, आपको स्किल्स आती है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो बहुत अच्छा खासा स्कोप है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सैलरी क्या मिलती है। आप में से ज्यादातर लोग यही जानने के लिए अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं कि सैलरी क्या रहती है। देखिए मैं आपको ऐसा नहीं बताने वाला कि आपको शुरू कोर्स करते ही जो है 50,000 की सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। अब अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि कितनी सैलरी हो सकती है, तो मैक्स टू मैक्स आप जो है 15,000 तक इनिशियल स्टार्टिंग में अपनी जो है कमा सकते हैं, और एक डिसेंट सैलरी है। दोस्तों देखिए प्रैक्टिकली इतना ही पॉसिबल है, एक जो है अगर आपने एनिमेशन की डिग्री या कोर्स किया है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे आप काम सीखते हैं, आपकी प्रमोशन वगैरह होती है, तो सैलरी भी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। आगे जाके फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना स्टूडियो खोल सकते हैं, वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपकी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ में रहती है कि आपने अपना जो है स्टूडियो खोल लिया, मल्टीमीडिया स्टूडियो खोल लिया, उसमें से आप जो है क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल है दोस्तों, एक बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप एक ऐसा फील्ड चूज करना चाहते हैं जहां आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सके, तो दोस्तों ये फील्ड आपके लिए ही है। आप इस फील्ड में जाके एनरोल कर सकते हैं, डिग्रीज डिप्लोमा जैसे कि मैंने बताया, जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पे इंटरनेट पे चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ सकते हैं। आपको कैसा ये लगा वीडियो ये हमें जरूर बताएं कॉमेंट सेक्शन पर लिख के। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।